नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना का है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर बनती हैं, यहां तो सिर्फ रिश्तों को निभाया जाता है। लेकिन क्या वाकई राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी के बीच ऋषि कपूर भी थे? आज के पॉडकास्ट में इसी किस्से पर चर्चा। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है, हम सभी जानते हैं। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी के किस्से तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन दोनों की शादी को लेकर भी अब तक खबरें सामने आती रहती हैं, जबकि राजेश खन्ना इस दुनिया में नहीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना की दुल्हन डिंपल कपाड़िया की शादी पहले ऋषि कपूर से होने वाली थी, लेकिन पिता राज कपूर ने कुछ ऐसा किया कि दोनों की इस प्रेम कहानी का अंत हो गया और ऋषि कपूर की रियल लाइफ हीरोइन राजेश खन्ना की रियल लाइफ हीरोइन बन गई। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही। आज हम आपको राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लाइफ से जुड़ा एक ऐसा वाक्य बता रहे हैं जिसने एक समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये वाक्य राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया के साथ साथ राजेश खन्ना की असल जिंदगी से भी जुड़ा है। डिंपल और ऋषि ने फिल्म बॉबी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, एक तरीके से बतौर हीरो हीरोइन। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्मों में एक साथ काम करते हुए ऋषि कपूर और डिंपल को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों की नजदीकियां देखते देखते बढ़ने लगी। ऋषि कपूर ने डिंपल को एक अंगूठी भी गिफ्ट कर दी। ऋषि कपूर और डिंपल शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, दोनों टीनेजर थे। लेकिन जब ये बात ऋषि कपूर के पिता राज कपूर को पता चली तो बात बिगड़ गई। दरअसल राज कपूर डिंपल की शादी ऋषि कपूर से कराने के लिए तैयार नहीं थे। कहा तो यहां तक जाता है कि ऋषि कपूर अपने पिता का कहा भी नकार नहीं सकते थे, और ऐसे में ऋषि कपूर और डिंपल का ये जो रिश्ता बन रहा था, अंकुर फूटने ही वाला था, वो किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद डिंपल की जिंदगी में काका यानी कि राजेश खन्ना की एंट्री हुई और दोनों के बीच बड़ी उम्र का फासला होते हुए भी डिंपल ने राजेश खन्ना के साथ शादी रचा ली। दोनों की शादी की खबरों ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी। और इधर दूसरी तरफ ऋषि कपूर को भी एक्ट्रेस नीतू सिंह का साथ मिल गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन राजेश खन्ना संग शादी के बंधन में बंधने के बाद डिंपल फिल्मी पर्दे से कुछ दूर हो गई, कम से कम 10 साल तक तो बिल्कुल ही। शादी के बाद वो लंबे समय तक किसी फिल्म में नजर नहीं आई। हालांकि फिल्मों से एक लंबे ब्रेक के बाद डिंपल ने अपनी नई पारी की शुरुआत की फिल्म सागर से कमबैक किया। और ताज्जुब की बात यह है, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में भी डिंपल कपाड़िया के अपोजिट कोई और नहीं बल्कि ऋषि कपूर ही थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।